हाँ, नमस्ते, गुड इवनिंग, नमस्ते, गुड इवनिंग। और एंथो टॉक्स में आपका स्वागत है। तो ज्योत्ना जी, ये जो एंथो टॉक्स है, इसका मकसद ये है कि हम हमारे बीच के लोगों की कहानियां, उनके जीवन का जो संघर्ष रहा है या जो भी उनका अब तक का जीवन रहा है, वो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणास्पद हो सकता है, मोटिवेशनल हो सकता है, इंस्पायर कर सकता है उनको। तो एंथो टॉक्स के जरिए हम उन्हीं कहानियों को, उन्हीं लोगों को वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो आवाज दे रहे हैं, जिससे आपकी बात, आपके मैसेज, आपके विचार और भी लोगों तक पहुंच सके और लोगों के बीच वो एंथुजियास्टिक अप्रोच आ सके, एटीट्यूड आ सके लाइफ के लिए, कि वो भरपूर जीना शुरू करें या जिए। हारना नहीं है, जीते रहना है, खूब भरपूर जीना है। तो ये एंथोटॉक्स का ये मकसद है कि हम एंथोटॉक्स के जरिए लोगों को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें कि जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है, हम ये कर इसे और खूबसूरत बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपसे, आपके एंथुजियास्टिक में जर्नी से, और बहुत सारी बातें हैं, हम धीरे धीरे करके आएंगे उन तक, ठीक है? तो ज्योत्ना जी, पहले तो मैं आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाहूंगी, कैसे, क्या हुआ, आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, लाइफ जर्नी क्या रही? लाइफ की जर्नी तो बहुत सुनाने लायक है, बहुत लंबी हाँ, बिल्कुल, करेंगे तो इतना टाइम नहीं रहेगा अपने पास, तो मैं थोड़ी शॉर्ट में करके बता देती हूँ मेरी लाइफ की जर्नी। पहले तो अब तो मैं हूँ एक गांव से, मतलब टाउन है, नई बिग गांव, नई सिटी ऐसा, तो अहमदाबाद के पास ऐसे 40 किलोमीटर होगा अहमदाबाद से, बावला करके, बावला। तो हाँ, हाँ वहीं हमारा बॉर्न हुआ है और वहीं हमने प्राइमरी स्कूल भी, बाल मंदिर भी किया था, उसी टाइम था ये सब, तो ये किया। और हाई स्कूल में गए हम लोग, और हाई स्कूल में भी हमारे टीचर्स लोग बहुत अच्छे थे और हमको भी ऐसा मतलब उत्साह था कि हम पढ़े, तो ऐसे माँ बाप मिले, नसीब मिला तो हमको पढ़ाया तो सही उसने पर फिर क्या हुआ कि हम SSC तक पढ़े, तो वहाँ मतलब एक बात कर लूँ कि टीचर भी हमारे बहुत वो थे कि अभी के जैसा नहीं कि तुम पैसा दो तो ही पढ़ाते थे, ऐसा नहीं था। हम लोग की स्कूल छूटे बाद में वो टीचर्स इतना इंटरेस्ट लेते थे कि आप लोग इंग्लिश के क्लास में आओ, मैथ के क्लास में आओ एक्स्ट्रा, और नहीं जाओ तो 25 पैसा दंड, उस टाइम 25 पैसा की बहुत कीमत थी। बहुत हाँ तो इंग्लिश हमारा इतना उन्होंने सज्जड़ बिठा दिया था, पर वो क्या है कि स्पीच में हम लोग बोलते नहीं रोज, इसलिए आता नहीं है, पर हाँ, बाकी आज तक स्पेलिंग तो कहीं भी पूछो तो स्पेलिंग हमारा गलत नहीं होगा बहुत बहुत बढ़िया। लिखा पटी कराई थी। और इससे आगे बढ़े, फिर कॉलेज में आना हुआ हमारा, उसमें भी बहुत हमने एंजॉय किया, तो कॉलेज तो मेरा एजुकेशन मैं अप डाउन करके किया था, वहीं मेरे गांव से हम लोग पास निकलवाते थे ट्रेन का और वहीं पर आते थे हम लोग, तो अहमदाबाद में पढ़े थे, मैं गुजरात कॉलेज में पढ़ी थी वहाँ पर, तो हाँ, मेरा BA तक का एजुकेशन। और उसी टाइम तो ये बात थी कि मेरे को करना था आयुर्वेद, मेरे को अच्छा, पहले से ही एकदम वो था, घर में भी चलता था हमारे आयुर्वेद दवाइयाँ, हाँ ना, कभी मैंने एलोपैथी आज तक भी नहीं खाई, हाँ, तो आयुर्वेद में मानते थे किचन के जो मसाले हैं उसमें मानते थे, तो मेरा था कि अखंडानंद आयुर्वेद हॉस्पिटल वहाँ पर बहुत बड़ी वो है कॉलेज, तो मेरे को हाँ था मन में कि मैं वहाँ जाऊँ, पर एक तो वो था कि हम वहाँ रह नहीं सकते थे अकेले लड़की को, उसी टाइम ये लोग ना बोलते थे पेरेंट्स लोग, तो हमको रहने की मनाही थी और हमारी ट्रेन सुबह में जल्दी से जाए और रात को हम आए, तो वो उनको मंजूर नहीं था। और मेरे साथ दूसरा तो यही था कि मेरे साथ कोई कंपनी नहीं थी, तो हम अच्छा, घंटे हाँ, पहले ही घर से बाहर निकले, और ऐसा होता था कि एक आध जन भी मेरे साथ कंपनी मिले तो मैं आयुर्वेद में जाऊँ, वो पेरेंट्स ने बोल दिया हम साथ में नहीं आते आपके, पर आपको जो करना है वो करने देते हैं, आप किसी को भी लेके जा सकते हो, पर उसी टाइम मेरे को नहीं सपोर्ट मिला तो मैं आयुर्वेद का सपना भूल गई, पर मन में अखरता है भी आज तक भी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और आयुर्वेद ही तो नहीं बन सकी। और दूसरा था मेरा वो मोटिवेट के मैं सोशल वर्कर का करना चाहती थी, उसी टाइम से बहुत अच्छा हाँ, लगता था मेरे को किसी का भी काम करना, किसी कोई बोले कि मेरे को तेरी जरूरत है तो बस मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि चलो ये मैं उनका काम कर दूँ, तो सोशल वर्कर तरीके मेरे को करना था, पर MSW वो इस टाइम
बड़ोदा में ही होता था, अहमदाबाद में नहीं होता अच्छा था। हाँ, हाँ तो पेरेंट्स लोग मानते नहीं थे कि बड़ोदा में अपना कोई नहीं है, तो वहाँ पर तुमको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। वो सबके लिए वो लोग राजी नहीं थे कि उसी जगह हम लोग को अकेले नहीं भेज सकते थे कि आप अकेले रहने जाओ। तो मैंने मान लिया कि चलो मेरे नसीब में नहीं लिखा होगा, जैसे भी करके मेरे को करनी होगी तो मैं कहीं के रास्ते ढूंढ निकालूंगी। तो फिर बिल्कुल वो कॉलेज कर ली हमने 60 में, 66 से 70 में कॉलेज कर ली। अच्छा कॉलेज हाँ एजुकेशन हो गया, बाद में 1-2 साल कहीं छोटी मोटी वो जॉब भी कर रही थी मैं, अप डाउन करके मन था, इसलिए फिर शादी हुई मेरी। और शादी में था मेरा लव मैरिज उसी टाइम। क्या बात, तो बहुत सुंदर। हाँ, तो हमारे मतलब उसी टाइम होता था कि चलो अपने कोई चाहने वाला भी मिल गया है। तो बिल्कुल हाँ पेरेंट्स लोग को बात की थी, पर पेरेंट्स लोग बोले थे कि हम यहीं रहते हैं तो एक ही हम कर सकते थे, कर सके, ऐसी ही पोजीशन थी दोनों की, पर बोले कि हम एक गांव में नहीं कर सकते। तो फिर हाँ बोले कि आप अपने से अहमदाबाद में जाके कर लो। तो हमने हमारे जो ससुराल वाले में से जो एक दो रिश्ते वाले मानते थे तो उसको रखे थे साथ में, और फिर हमारी शादी हमारे फ्रेंड सर्कल के साथ भी हुई अच्छे से। फिर हम लोग को हमारे वो जेठ जी है तो उन्होंने बुलाया कि आप यहाँ पर आ जाओ, तो वो अमरकंटक रहते थे। तो अच्छा हाँ, तो हम लोग फिर वहाँ रहने चले गए उनके घर ही, और वहाँ उनका पत्ता गोदाम था, तो उसमें मेरे हस्बैंड भी वहाँ पर भाई के साथ काम कर रहे थे, मैं घर में थी, हाउस वाइफ ऐसा। तो बच्चों ने बहुत प्यार दिया उन, तो अभी कभी मेरे गांव की घर की वही मतलब मैं मिस नहीं कर रही थी। तो अच्छा लगा उन लोग के साथ, वही हम समझते थे कि आप मेरी हमारी माँ ही हो। तो 3 बेटे थे और 1 बेटी थी उनकी, वो तीनों हाँ तीन मेरे को बहुत अच्छे, आज तक भी मम्मी करके ही बुलाते हैं वो लोग। तो फिर वहीं हम थोड़ा रहे, मेरा बेटा हुआ वहाँ पर। तो फिर एक 1.5 साल 2 साल हम रहे वहाँ पर। फिर हुआ कि हम तो मतलब यहाँ पर नहीं, वो गांव जैसा ही था और हिंदी हाँ भाषी थे सब लोग, तो मतलब गवैया भाषा जो बोलते हैं ना वही भाषा चलती थी वहाँ पर, वो भी हम सीख गए थे। पर फिर हुआ कि ये बच्चा हमारा, जैसे हम सिटी में रहे सिटी में पढ़े तो इनका ऐसे एजुकेशन नहीं होगा, वहाँ से शहडोल तालुका में जाना पड़ता था इसलिए। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम तो इंडिया गुजरात में जाएंगे वापस, तो हमको तो जॉब मिल जाएगी। तो जो हाँ गुजरात में सूरत में हमारी जॉब लग गई, मेरे हस्बैंड अच्छा गए और ले ली, फिर बुला लिए हमको वहाँ पर। तो हम सूरत में रहे, तो वहाँ पर भी सिटी में अच्छा था, अच्छे फ्रेंड सर्कल, और रोज हम रात को मतलब पत्ता गेंद का जो भी कुछ खेलना था वो खेलते थे, छोटी सी अमाउंट में बहुत मजे कर रहे थे हम लोग। बाहर भी हाँ खाना खाने जा सकते थे, हमारे मतलब उसी टाइम हमारा शौक भी छोटा छोटा था, बिल्कुल पिक्चर देखते हाँ थे, खाना खाने जाते थे, वही। फिर उसी में से हम लोग ने आगे बढ़ने के लिए बड़ोदा में कोई जॉब थी तो अप्लाई किया। तो मेरे हस्बैंड ऐसे ही थे कि जो सामने इंटरव्यू हो तो वो पास ही हो जाते थे। तो पहली बार में बड़ोदा गए हम लोग, वहाँ पर मेरी दीदी भी रहती थी बड़ी, उसने भी बहुत हाँ सपोर्ट किया हमको। और फिर हम लोग सबको मिले और अच्छे से रहे बड़ोदा में। तो बड़ोदा में अभी आज तक अभी मेरा मकान बड़ोदा में ही है, हाउस मेरा। और अच्छा हमने वहाँ पर केमिकल का बिजनेस था हमारा, पहले जॉब की थी मेरे हस्बैंड ने, फिर केमिकल का बिजनेस हो गया थोड़े ही टाइम में। तो फिर मतलब हमारा पेरियड चालू हुआ, तो एक बेटी भी हो गई उर्वी। और हाँ फिर तो अच्छे से हम दोनों को पढ़ाने में लग गए, मैं घर में रही, मेरे को जॉब मिलती थी, पर मेरे हस्बैंड ना बोलते थे कि ये बच्चों को फिर बाहर रखना पड़ेगा ना, इसीलिए घर में ही रहो, बच्चों को पढ़ाओगे वही जॉब है अपनी। तो ऐसे करके हमारा पेड़ निकल जाए, बच्चों ने भी कॉलेज वगैरह कर ली वो लोग, मेरा बेटा स्टूडेंट वीजा पे यहाँ आ गया, बेटी मेरी ये हस्बैंड इनके यहीं के जॉब कर रहे थे, आए थे वहाँ पर और उन्होंने पसंद कर लिया और उन्होंने शादी भी हो गई। तो मतलब बेटे की शादी में हम ना गए, वो यहाँ आके फिर उसने बोला कि मम्मी ये है, और हमारे फ्रेंड की लड़की थी, तो हमने बोला कि चलो हम जा नहीं सकते थे उसी टाइम, तो आप हम खुश है आप लोग करो। उन्होंने सब उसी टाइम का फोटो वोटो सब हमको दिखा दिए वहीं से, तो देख के हाँ हम खुश हो गए कि चलो जैसे मतलब भगवान रखते हैं वैसे ही रहना है हमको, ऐसा नहीं कि नहीं मेरा बेटा है तो मैं उसमें नहीं हाजिर हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, वैसा नहीं, वो खुश है ना बस। फिर वो लोग अपने टाइम से आ गए, वहाँ एल्बम भी भेज दिए, वो सब करते रहे सब कुछ। फिर जब उनका यहाँ का ग्रीन कार्ड सिटीजन वगैरह हो गए, फिर वहाँ पर आए हम लोग, आए उसी बीच में 3-4 बार साथ में आए हस्बैंड के। फिर मेरे हस्बैंड और ये बेटी हमारी 2 2
2000 से है यहाँ पर, और बेटा 97 से है यहाँ पर। अच्छा उनका दो एक बेटी बेटा है, इनका भी एक बेटी बेटा है। तो बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, और फिर हम लोग, हमारा गोल्डन पीरियड था उसी टाइम की, ये लोग यहाँ पर थे क्योंकि हम दो अकेले, नो जिम्मेवारी, कुछ जिम्मेवारी हाँ थी नहीं, हमारी सब पूरी हो गई थी। और हाँ फिर हमारा शौक था घूमने का, तो फिर अच्छा वो हमारा चार, ये लोग थे तब कम घूमे थे, जाते थे पर कम, उनकी पढ़ाई वगैरह के लिए। पर फिर तो हमको कोई काम नहीं था, तो हमने अच्छे से बहुत सारी गुजरात में भी सब चीज़ देख ली, और मतलब इंडिया में भी जो जो हमारे लायक था, हम ऑलमोस्ट जाते थे, पिकनिक पे नहीं जाते थे पर हम यात्रा के स्थानों पर ज़्यादा गए हैं, और सबको करवाते थे, हम अकेले नहीं, कभी भी हमारी गाड़ी थी, हाँ उसमें भी किसी न किसी को बिठा के ले ही जाते थे। पर जब हम ज्यादा जन हो जाए तो हम रेंटल कार करते, पर वो सब शौक हम दोनों को था, तो मेरे हस्बैंड सब कर लेते थे प्लानिंग, और सबको अच्छा लगता था कि इन लोग के साथ जाते बहुत मजा आती है। तो अभी भी वो लोग उसी हिसाब से ही याद करते हैं कि हम बहुत मिस कर रहे हैं कि आप भी चले गए, वो भी चले गए, इसलिए। और मैं अकेली रहने लगी, बड़ा मकान है, और मैं फिर वहाँ क्या किया कि मेरे हस्बैंड के बाद की जर्नी, तो वो गए, मैंने यही सोचा, भगवान को भी बोला कि हम दोनों बराबर का काम कर रहे थे, तो आपने उनको बुला लिया, मेरी को अकेली को रख लिया, अब मैं क्या करूँगी। तो मेरे पास पैसा भी है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऊपर से मेरे को ये है कि मैं अच्छी जगह उसका उपयोग करूँ, तो तुम हाँ मेरे को घर में नहीं बिठा रखो, कहीं भी बाहर जाना है मेरे को, अब मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ बाहर के लिए करना चाहती हूँ। मैंने घर में बैठे बैठे यही सोचा, पहले तो भगवान के सामने भी नहीं बैठती थी, कुछ नहीं करती थी, फिर हुआ नहीं, तेरे बिना तो मेरा काम चलेगा भी नहीं, तू मेरे को भूल जाएगी, पर मेरे को नहीं भूलना है, तुमको मेरे पास ही रखना है। तो मेरे को ऐसा करके बाहर बाजार में, मतलब मार्केट में कहीं भी मेरे लायक कुछ भी ऐसा काम तू मेरे को बता कि मेरे को करने जाना है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, ऊपर से मैं लगाऊंगी अपना, तो कोई ऐसा डोनेशन वाला कि कोई चलते। नहीं मानो आपकी, उसी टाइम एक स्कूल में से जो मेंटली चैलेंज बच्चों की है, तो उसी हाँ में से फिर मेरे को वो, मैंने माता जी को बोला, पर पेपर मेरे घर न्यूज़पेपर आता था ना, तो उसी में वो आया पेम्पलेट उसका हाँ कि हाँ हमारी स्कूल नई नई है, उसमें हमको डोनेशन भी चाहिए और आप जो भी मदद करना चाहे। तो हाँ फिर मेरे को इतना अच्छा लगा कि देखो सुन लिया मेरा माता जी ने, फिर मैं वही कागज लेके फिर उनको तुरंत फोन कर दिया, फोन था उसमें, तो फोन हाँ किया, तो वो अल्पा मैडम करके ही है, वो अच्छा अभी यहाँ हमारे पास, मैं बुलाती हूँ उनको कि आप हमारे साथ आओ लेक्चर करने के लिए, तो जब जब इनका टाइम होता है ना तो वो आ जाती है। तो अच्छा ये बहुत बड़ी नहीं, एज में 50 के आसपास की है अभी, हाँ तो वो ऐसे चला रही है। मैंने जाके उनको पूछा डिटेल में सब, वो रिक्शा करके मैं चली गई वहाँ पर, तो बिल्कुल उन्होंने बताया कि हम, मैं दो बच्चों से मैंने चालू किया है ये स्कूल, अभी 40 बच्चा है, अभी तो और बड़ा है, पर उसी टाइम मेरे को बोल रही थी कि अभी हाँ 40 है, तो आंटी आपके साथ हम सब है, उनके पास सब बहनें काम कर रही थी, कोई वॉलंटियर थी, कोई आधा वॉलंटियर थी, आधा पे लेती थी, ऐसा था। हाँ तो ये हाँ बोली कि हाँ देखो ये सब भी करते हैं, और आपके जैसी एक आंटी भी है, वो अमेरिकन, वो उनका सिटीजनशिप है पर यहाँ रहती है, अकेली रहती है, मैंने सोचा चलो मेरे जैसी यहाँ पर है मेरे को मजा आएगी। तो वो आंटी फिर बोले, वो अल्पा बहन, कि आपको आंटी जी, आप जितना टाइम चाहे उतना यहाँ स्पेंड कर सकती हूँ, और आपको ज़्यादा रहना है तो हमारा 11:30 से 4:30 का टाइम है। फिर मैं बोली कि फिर मेरे को आने के लिए, मैं स्कूटर सीखी थी उसी टाइम पर, मैं अभी चला नहीं रही हूँ, तो बोली कि नहीं अपनी वान है, तो वो वान उस तरफ भी कोई बच्चे हैं तो पिकअप करने आते ही हैं, तो आपको ले जाएंगे 11:30 बजे, तैयार बहुत रहना। और वो मेरा सॉल्व हो गया, और फिर मैं बोली पहले दिन ही गई, मेरे को लगा कि 4:30 कहाँ बज गया पता ही नहीं चला, दोपहर में बढ़िया। बच्चे खाना खाते हैं, हम लोग उसको खाना खिलाते, सब से जिसको जो करना है, जिसका IQ जितना है वो हम कराते थे। एक कई एक दो लड़के तो ऐसे इंग्लिश भी सीख लिया था, कुछ ABCD नहीं पता फिर भी अपन लिखा है वो लिख सकता था, और कोई गुजराती सीखते थे, कोई आज सिखाए कल भूल जाते थे, और कोई तो ऐसे ही निकलते थे कि हम सिखाए उससे आगे भी बोल रहे थे, मतलब सबका IQ अलग अलग था, तो वो भी हाँ करते थे। फिर मैं खेलती थी उनके साथ, कैरम वगैरह भी वहाँ पर गेम रखते थे, तो बच्चों के साथ वो भी, तो मेरे को ये दिन तो पसार हो गया पता ही नहीं चला। तो मैंने सोचा कि चलो भगवान घर जाके कि आपने मेरा रास्ता ढूंढ लिया है, तो मैंने उनके साथ 2 साल काम किया, फिर मैं अच्छा यहाँ आ गई,
तो उसी टाइम बीच में आई थी, फिर ये लोग मिस कर रहे थे कि आंटी आ जाओ जल्दी वापस, आप सब बच्चे आपको याद करते हैं। फिर मैं यहाँ 6 महीना रह के, 4 नहीं 5 महीना जितना रह के फिर वापस चली गई। फिर वहाँ जाके भी और मज़ा की, और इन बच्चों को मैंने सोचा था कि वहाँ पर हमारे दाल भात सब्जी रोटी आती थी एक मंदिर में से खाने के लिए, तो मैंने सोचा कि हर बुधवार ये बच्चों को मतलब जो चाहिए, जो इनको मन करता है खाने का वो मैं खिलाऊंगी मेरी तरफ से। तो और हमारी बिल्कुल बहनों के लिए मैं होटल में से मंगा लेती थी, तो हम 8-1 जन थे तो उसकी डिशें वहां से आती थी। तो ये बच्चों के लिए जो इनको पसंद होता था वो बोल दे कि कल ये खाना है, तो मतलब पानी पूरी है कि कैसे वो बनाते थे, भाई बहुत सारी चीज़ें, गुजराती में भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनको मैंगो के सीजन में मैंगो का रस भी खिलाते थे और आइसक्रीम गर्मी के टाइम में वो सब करते थे, इनकी वो बहुत खुश रहते थे इसी से। और कोई बार चॉकलेट वॉकलेट भी ले जाते थे उनके लिए। फिर मैंने ये सोचा कि इनके मनोरंजन के लिए कुछ नहीं है, तो मनोरंजन इनके पेरेंट्स लोग इतने इनसे कंटाल से थे कि बोलते थे कि ये जब बस आए बिठा दे, और घर में देर से आए तो अच्छा है। कई लोग को लगाव था, पर कई लोग को तो ऐसा ही था कि दूसरे बच्चे हो इसलिए ये बर्डन ही लगता था उनको, कई बार ऐसा ही देखा था हमने। तो हमने ये सोचा मैंने कि इन लोग को मनोरंजन के लिए कुछ नहीं, ये लोग तो करवाते ही नहीं होंगे, वो टीवी देखते होंगे तो भी बैठने नहीं देते होंगे कि भी आवाज करता है, इसलिए कोई बोल लेता था, कोई कोई अग्रेसिव भी था कोई बच्चे, पर फिर भी हम लोग उनको टैकल कर लेते थे। तो मैंने सोचा कि चलो 2-3 महीने में एक बार बस करके, पूरी बस जो 60 की आती है 60% की, तो इसमें ये जो एग्रेसिव बच्चे थे उनके पेरेंट्स को भी मैं बोलती थी कि आप आना साथ में तो आप अपने बच्चे को हैंडल कर सको, इसलिए पर इनको ले तो जाना ही है। तो ये सब और इनके पेरेंट्स और हमारा स्टाफ पूरा, तो हम एक बस करके चले जाते थे। और मैं पहले से, और होटल वाले जो होते थे तो फोन से ही मैं बात करती थी, ज्यादा बाहर तो नहीं जाते, पर कई बार मिलने बुलाए तो फिर चले जाते थे हम लोग रिक्शा करके, कि हमारी स्कूल की वैन में भी जाते थे हम लोग। तो मैं फिर तय कर लेती थी कि पर पर्सन वो लोग लेते थे, ऐसे रिसोर्ट वगैरह में ले जाते थे, तो वहाँ पर गेम्स भी होती थी अलग अलग प्रकार की, और वहाँ हम फोटो फंक्शन भी करते थे, और फिर अंदर इंडोर गेम भी होती थी, वो स्विमिंग होता था, तो वो सब बच्चे को बहुत मजा आती थी, वो घर में से तो ले नहीं जाते थे कोई, तो फिर ये जब भी ले जाना हो तो खुश हो जाते थे, और मैं जाऊँ तो ये लोग ऐसे पहले ही हाथ धर के ऐसे हाथ कर लेते, और फिर और ऐसे करके चूम लेते थे। तो मैं भी कोई बात नहीं, इन बच्चों ये भगवान का ही स्वरूप है ना, तो मैं भी उनको इसी करके खुश कर देती थी। तो वो मिस करते हैं, अभी भी याद करते हैं वो बच्चे। और सब प्रोग्राम में मतलब इनके लिए हम लोग जो प्रोग्राम करते थे, चैरिटी शो रखते थे वहाँ पर, तो उसमें भी पार्ट लेते थे, बच्चे डांस करते थे, गाते थे, सब करते थे। तो ये सब करके हमको बहुत मजा करी मैंने 2 साल। फिर मेरे बच्चे सोते थे कि मम्मी को अकेले वहाँ नहीं रहने देना है, वो लेने आ गए। तो फिर मैं आई यहाँ पर, यहाँ आने के बाद भी ये हुआ कि मैंने कहा भगवान को कि मैं अकेली रहेगी इसलिए मेरे को यहाँ रहना है, मेरे को इंडिया बहुत अच्छा लगता है। हम लोग की पूरी स्वतंत्रता थी, जैसे करना, अभी कमाने की चिंता नहीं थी, यूज करने की चिंता थी। तो फिर यहाँ पर भी क्या हुआ कि मेरी बेटी है वो, और एक हमारे फ्रेंड है जो पहले से हमारे फ्रेंड थे, तो वो गायत्री टेम्पल में थे एज अ पंडित जी या प्रेस्ट, तो ये दोनों जन थे। पर मेरे हस्बैंड जब ऑफ हो गए ना, तभी वो हमारे फ्रेंड की वाइफ भी ऑफ हो गई 4 दिन के बाद में। तो उन लोग का फोन भी मेरे को आया, हम लोग बहुत क्लोज थे, तो फिर उसी टाइम तो थोड़ी सी बात हुई, पर वो आए थे वहाँ अस्थि के लिए, उसका अस्थि विसर्जन करने के लिए, तो मेरे को मिले कि भाभी आप कैसे हो। मैंने कहा कि अभी मैं स्कूल में जा रही हूँ, वॉलंटियर वर्क कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो वो बोले मेरे को कि देखो वहाँ पर ये नहीं है नीरू, इनकी वाइफ, तो वहाँ पर भी एक लेडी की जरूरत तो है ही, तो आप, मैं ही हूँ इसलिए आपको कोई चिंता नहीं है, तो मैं वहाँ मंदिर में बोल देता हूँ तो आपको बुला लूँ, तो आप आ जाओगे वहाँ पर वॉलंटरी वर्क करने। मैं बोली देखो भगवान ने मेरे लिए सोचा है तो चलो मैं आ जाऊंगी, भगवान की मर्जी होगी। तो मैं यहाँ बेटी के घर आई, फिर मेरा बेटा तो मना कर रहा था कि नहीं मम्मी बाहर नहीं जाना, हमको कोई क्या कहेंगे कि मम्मी को नहीं रखा इसलिए मंदिर में काम करने के लिए गई है मम्मी। मैं बोली नहीं, मेरे को वॉलंटियर वर्क करना है, भगवान की सेवा ही करनी है ना, तो
तो वो ना बोले, फिर भी मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मम्मी, मैं तो उसको हेल्प करूंगी इस बात में, कि हम लोग एक बार होके आए हैं, वो फ्रेंड थे इसलिए वो लोग गए थे डिज्नीलैंड, तो गए थे उनके घर वहाँ मंदिर में, तो वो बोले कि मम्मी बहुत अच्छी जगह है, तेरे को अच्छा ही लगेगा ये काम करने। वो जानती थी कि मेरे को ये सोशल वर्क करना अच्छा ही लगता है, तो वो बोली कि यहाँ तू जा, अपने भाई को बाद में बताएंगे, पर तू 1 महीना रह ले, फिर लगे कि हाँ ठीक है, नहीं लगा तो वापस आ जाना। तो फिर मैं हाँ बोली, और इनका इंटरेस्ट यही था, इनको था कि मम्मी मेरे से दूर ना जाए, पर इनका इंटरेस्ट ये था कि मम्मी जो यहाँ मंदिर में रहेगी, सबके साथ मिलेगी, उठेगी बैठेगी, तो ये यहाँ रह लेगी और ग्रीन कार्ड कर लेंगे हम लोग, बस हमको हाँ यही था। तो ये कहाँ भी रहे पर ये अमेरिका में रहनी चाहिए, इंडिया में हाँ नहीं, तो इनका मकसद था, तो पूरा हो गया। तो मैं वहीं पर रही, तो वहाँ पर मेरी जितनी बहनें थे, सब 20-25 बहनें थी, वो सब वहाँ आती थी। हमारा बड़ा हाउस, 3 हाउस थे, उसमें एक हाउस में टेम्पल था, एक हाउस में हम लोग रहते थे, और एक हाउस था उसमें क्लासेस चलते थे, योगा का क्लासेस, डांसिंग का क्लासेस, रोबोटिक वो सब वगैरह चलता था वहाँ पर, लोग सिखाते थे बच्चों को, और हम लोग हमारा मतलब सीनियर का भी एक दिन रखते थे उसमें, तो ये सब करने को भी मिलता था, देखने को भी मिलता था। और दूसरा एक चीज थी कि जो हम इंडिया में जब थे हमारे हस्बैंड और दोनों, तो हम लोग गायत्री अग्नि का 11 कुंडी 25 कुंडी ऐसे हवन करवाते थे, पर हम खुद पूजा करवाने नहीं बैठते थे, पर हम इंटरेस्ट लेते थे उसमें, जो फलाहार कराना है, उसमें जो सामग्री लानी है, वो जो सब है, खर्चा भी उठाते थे पार्टनरशिप में, और हम हमारा प्रेजेंट भी देते थे उनको, तो बहुत हेल्प करते हैं उसमें। तो ये था ही मन में एक, तो फिर यहाँ गए मंदिर में, तो गायत्री टेम्पल ही था, तो वो हरिद्वार से ही कनेक्टेड है, तो फिर हाँ वहाँ पर मेरे को तो वो सबने बहुत पसंद किया, और सबने बहुत प्रेम भी दिया, और मैं भी अच्छे से मतलब देखने लगी, सब करने लगी, और पूजा रोज हम 11 बजे हवन करने बैठते थे, तो जिसको हाँ इंटरेस्ट था वो आके भी बैठते थे वहाँ पर, और सबके घर में बुलाते थे, तो वो मुंडन संस्कार कराते थे, फिर जनोई का कराते थे, बर्थडे का कराते थे, गाड़ी लाए तो पूजा करने बुलाते थे, तो वो भी मैं करती थी, और हाउस वार्मिंग का काम, और नवरात्रि में हवन का काम, और कथा सत्यनारायण भगवान की, मतलब वो हाँ सब पूजा वहीं से मैंने करते करते सब पूजा सीख ली पर्सनली। पहले हम जानते थे पर मैं कराती नहीं थी, पर वो मैं हाँ खुद कराने लग गई, तो फिर तो बहुत मतलब सैटरडे संडे हमारा दो दो टाइम का प्रोग्राम रहता था करवाने का, तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और माता जी के साथ रहते, सुबह में शाम को आरती करते थे, माता जी की बहनें इकट्ठी होके, हम गुरुवार के दिन, रविवार के दिन हम साड़ी बदलाते थे माता जी को, सब ऑर्नामेंट, माता जी की बहुत सेवा करने को मिला चांस हमको, वहाँ प्रदक्षिणा भी करते थे, और चलना भी हो जाता था हमारा, ये सब अच्छे से हो रहा था, बहनें भी इकट्ठी होती थी, बहुत मजा करते। अभी बहुत मिस कर रही है वो लोग भी, अभी मैं लास्ट सैटरडे संडे ही वहाँ गई थी, सब एक ही घर हाँ में इकट्ठे हम हुए, सब मिलने आ गए, बोले इतना ही लिए टाइम के लिए नहीं आना चाहिए आपको तो हाँ मतलब ये वहाँ तक की ये रही। फिर मेरे को मतलब लगा कि माता जी ने बुलाया है, अब माता जी चाहती है कि अब मैं घर जाऊँ, मेरी बहू भी बोलने लगी कि मम्मी आप तैयार हो गए हैं अमेरिका में रहने के लिए, तो आप हमारे साथ घर में आ जाओ, अब आपको यहाँ नहीं रहना है। और बेटी भी बोली कि नहीं मम्मी, तुमको जहाँ अच्छा लगे वहाँ रहे, पर चलो अब घर में, हमारे बच्चे भी याद करें ना कि ये बाहर हमारी तो फिर हाँ अभी ये छोटी है मेरी, साथ में आती जाती है, और यहाँ मेरे को कैलिफोर्निया में बेटी के घर अच्छा लगता है, बेटा है वो एटलांटा में है, तो वहाँ का एटमोसफियर इतना अच्छा नहीं है, वो बारिश रहती है, वो बादल कभी कभी छाए हुए रहते हैं, तो इसलिए वहाँ क्लाउडी सीजन होती है, तो मज़ा नहीं आती मेरे को, तो मैं यहाँ हाँ रहती हूँ, वो लोग आके मिल जाते हैं, मतलब अच्छा जिंदगी भगवान ने अच्छे से कटवा दी है साथ में रह के। और देखो यहाँ पर ये बहनें भी इकट्ठी हो गई हमारी, अभी 13 जन होते हैं हम लोग, तो 5-6 5 जन तो इंडिया से ही है, बाकी लोग हम हैं यहाँ पर, तो सबके साथ बहुत मजा आती है, सबको साथ में लेके हम प्रोग्राम नए नए कुछ ना कुछ मैं ढूंढती रहती हूँ कि ये करवाएंगे ये करवाएंगे, और सब मतलब एक मन के होते हैं, किसी का क्रॉस नहीं होता, और सब मानते भी हैं कि भाई चलो हाँ ये करेंगे ये करेंगे, और सत्संग भी अच्छा होता है हमारा, ये जब हमारा ये श्रावण महीना आया तो हमने रुद्राभिषेक की पूजा भी की हर सोमवार को, बहुत बढ़िया। हाँ और हर पूनम के दिन, पूर्णिमा को सब बोलते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा कथा करनी है, बताए। तो वो करते हैं मजा आता इंथुजियास्टिक से कैसे जुड़ना हुआ, कब इंथुजियास्टिक जिंदगी में कब आया? हाँ। इसमें हम लास्ट सितंबर की 2nd तारीख को,
तो हमने आपको मतलब तारीख भी याद है। हाँ इस हमने याद रखी थी, और इस हाँ सितंबर के 2 तारीख को हमने बोल दिया सबको कि सब नए नए कपड़े में आना, हम घर में ही रहेंगे, बाहर इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, पर सब अपना अपना जो भी खाना पसंद है वो लेके आना। तो हम लोग एक बिल्कुल दूसरे के सामने वो जो अच्छा लगेगा वो कोई बोलेंगे, कोई गाएंगे, कोई कुछ करेंगे, जो जिसको करना है करेंगे, और साथ में इकट्ठा पिछली 10 मिनट में खाना खाएंगे, तो ऐसे बहुत बढ़िया मनाएंगे। आइडिया था। कैसे अचानक से कैसे वो इंथुसियास्टिक? ऐसे हुआ कि मैं तो घर में ही रहती थी, और यहाँ एक मेरा सीनियर का ग्रुप है प्लेजेंटन का, तो हाँ वहाँ पर मेरे को पहली बार मैं आई नहीं यहाँ पर, तो मेरी बेटी को था कि मम्मी को अच्छा लगे, इसलिए मेरे को ले शाम को छोड़ने आती थी, फिर लेने भी आती थी, और कई बार बेटी को ले लेते थे, तो वो वहाँ खेलते थे और मैं वहाँ इन लोग के साथ बैठती थी, तो पंजाबी थे, साउथ इंडियन थे, गुजराती थे, सब कोई थे वहाँ पर, मजा आती थी वहाँ पर भी। हम लोग भजन गाते थे, गायन गाते थे, अंताक्षरी खेलते थे, वो सब करते थे, और हमको शौक भी रहा कि ऐसा इतना अच्छा हम गाते नहीं है, फिर भी भजन भी गाना अच्छा लगता है, और वो पिक्चर का कोई भी अच्छा गाना होता है तो करते हैं हम लोग। तो फिर मैं इस बार यहाँ आई टेम्पल के बाद, तो मेरे को लगा कि भाई थोड़ा कुछ मैं यहाँ कुछ करूँ, तो घर में रह के भी थोड़ा, हम बाहर जाते हैं तो बेटी को तो बहुत जगह जाना होता है, तो फिर वो मेरे लिए तैयार होती है, मेरे को होता है कि नहीं अब तो छोड़ने आई लेने आई, वो मेरे को पसंद नहीं, मेरे को नहीं जाना है बाहर। तो इसके मन में भी ये आया कि इंथुजिया में उसी टाइम मेडिटेशन करवाती थी ना बच्चों को, समर में स्कूल का वो लेती थी क्लास भी, अच्छा तो उसने मेरे को बोला कि मम्मी तू ये कर सकती है, यहाँ जो सीनियर को इकट्ठा करके हम लोग के पास है कई सीनियर, तो हम बात करेंगे कि चलो हम अलग बनाते हैं आप सीनियर का ग्रुप का। तो उन्होंने पहले पेरेंट्स का देख लिया पर नहीं चला, तो वो बोले कि नहीं तो अब लेडीज का करते। मैं बोली मैं कुछ ना कुछ तो ढूंढ निकालूंगी कि मैं क्या करवाऊंगी, वो ऐसे जो योगासन भी हम सीखे हैं, एक्यूप्रेशर भी सीखे हैं, रेकी भी सीखे हैं, और बाद में तो ये सब शौक हमारा जो है उसको तो हम किटी में भी जा रहे थे, इसलिए गेम्स वगैरह सबको खिलाते थे, तो इस कर सकते थे, तो मैंने सोचा कि ये एक एक दिन करवाऊंगी। फिर अभी नेचुरल वो करवाते हैं फेशियल, तो इसमें भी बहुत बढ़िया। सबको मजा आती है कि चलो आपको करना चाहिए, हम बाहर नहीं जाते न करने के लिए, तो हम वीक में एक आध दिन करवा लेते हैं फटाफट 15-20 मिनट में, तो वो भी कुछ लेते नहीं साथ में, किसको लेना हो तो क्रीम लेके बैठ जाते हैं, फिर छोटी मोटी एक्सरसाइज जो हमारे सीनियर के लिए होती है वो भी बताती रहती हूँ, और मेरे को तो मैं इसमें भी देखती हूँ, कंप्यूटर भी देखती हूँ, तो इसमें जो टिप्स आती है, और आयुर्वेद का तो मेरे को शौक है इसलिए मैंने उसमें मैं डिटेल में जाती ही हूँ हमेशा। वो बच्चे वो बीच में वो आया था कि कच्चा ही खाना फूड, तो वो हमारे इंडिया में वो गुजरात में ही है, वो भाई जो इसने चलाई थी झुम्बेश की, वो कच्चा खाना नई पद्धति भोजन पद्धति, हाँ, तो वो पूरा खाना खाने करके सुबह में उठते हैं तो 6 बजे तक, अरे 6 घंटा तक कुछ नहीं लेने का, और उसके बाद पहले पहले ग्रीन सूप पीने का, मतलब ग्रीन कोई भी सब्जी का कि उसका जूस पी लेने का, वो निकालती थी मैं, मेरे हस्बैंड और मैंने दोनों दोनों एक ही मत के थे, इसलिए वो तैयार हो गए कि चलो करते हैं, तो हमने करते चालू हैं। कर दिया था, फिर शिविर भी अटेंड करते थे, और हाँ फिर ये जूस पीने लेने के बाद 1 घंटा के बाद हम सलाद में पूरा तैयार करती थी, जो जो चीज़ सब्जी में हम कच्चे खा सकते हैं उस सब का मिक्स करके मैं छीन के सलाद हाँ बना हाँ देती थी, और उसमें जो भी मसाला डालना वो डाल सकते हैं, किचन का सब मसाला अपना दवाई है, तो उसमें डाल के फिर हम लोग ये खाते थे, और कोई फ्रूट साथ में खाना हो जैसे वाटरमेलन है कि वो सूट करता है, तो वो साथ में कि आम है तो वो काटते थे, बस इतना खाने का, कुछ धान नहीं खाने का। फिर हमारा शाम का 4 बजे तब होता था, तो कुछ वो जो चावल का मुरमुरा आता है ना वही हाँ हल्का, वही हल्का थोड़ा सा खा लेते थे, और रात को हम खाना बनाते थे, तो रोटी सब्जी भाखरी सब्जी की जो चेंज में बनाना हो वो सब उसी टाइम हम खा लेते थे, बस फिर रात से पानी पी लिया, फिर सुबह में 6 घंटे तक कुछ नहीं फिर खाया, वही मतलब हाँ रूटीन। 8 हाँ के 10-12 घंटे का हमारा फास्ट हो जाता था, और एक टाइम ही तो खाने का है। हाँ, अभी जो ग्रैंड पेरेंट्स क्लब है इंथुजियास्टिक में, उसमें कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ से लोग हैं? कैसे हाँ चलता है? हाँ कैसा है? हमारे अभी तो हमारे 13 जन हैं, तो एक तो है वहाँ इंडिया से जो बड़ोड़ा से है, एक जो ये बड़ोड़ा से करने आती है अल्पाबेन करके, और एक है आंटी प्रभा आंटी, तो वो बेंगलोर से है अभी, वो गए हैं, कमला आंटी तो यहाँ रहती है ऐसे बेटे को साथ पर, अभी गई है 6 महीने से, तो वो फरीदाबाद से आ रही है,
फिर वो महेश्वरी, जो विजय महेश्वरी, और अभी दूसरा इनकी जेठानी भी चालू हुई सुधा महेश्वरी, वो दोनों कानपुर से हैं। तो अच्छा इतने जन वो सब वहां से आ रहे हैं, और वो पक्का है कि वो कभी मिस नहीं करते, वो आते ही हैं। कई बार इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है तो चले जाते हैं, बाकी नहीं। और हमारे में भी यहाँ से किसी को मिस करना अच्छा नहीं लगता, कई बार कर सकते हैं, बाकी अच्छा नहीं लगता। बोलते हैं राह देख के बैठते हैं हम लोग 9 o'clock। हाँ, तो ज्योत्सना जी आपने मुझे पहले ही बता दिया कि आप तरह तरह की एक्टिविटीज ढूंढती रहती हैं कि क्या है जो हम कर सकते हैं, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि हमने 1 साल सेलिब्रेट किया साथ में, अपना अपना खाना लेकर आए और लास्ट के 15-20 मिनट हमने साथ खाना हाँ, खाया। ऐसे मजा हाँ, कर लिया हमने। हाँ ये बहुत ही अच्छा है कि आप साथ नहीं होकर भी साथ हैं, मतलब जैसी परिस्थितियां हैं उसमें इतने लोगों को जोड़े रखना हाँ एक वही बहुत सबको, बड़ा काम है। हाँ सबको ऐसा लगता है कि अपन लोग जुड़े हैं बस। वही वो सबको, मेरे को बार बार धन्यवाद, मैं बोली धन्यवाद भगवान को देना है, क्योंकि भगवान ने अपने को इकट्ठा किया है, अगले जन्म में अपना कुछ ना कुछ रिश्ता होगा। तो इसलिए देखो, हम तो ये मेरी ये मधुबेन करके है, उनके घर में 2-3 बार होके आई, फिर हम लोग ने 5 जन इकट्ठे हो सकते थे, यहाँ पर थे जो, हाँ तो हम हाँ 5 जन को, मेरी बेटी ने सुबह में 11 बजे हम निकले यहाँ से, फिर जो जो रास्ते में घर जिनका आया, तो 30 मिनट के बाद मधुबेन का आया, उनके बाद 15 मिनट के बाद सुशीला जी का आया, उनके बाद हाँ वो कुपरटिनो में गए, तो वो भी इतना आगे ही थे, हाँ 30 मिनट, तो उसको भी हाँ 2 जन को वहां से लिए और गए हम हिल मेमोरियल गार्डन में। तो फिर बहुत वहां पर बढ़िया। अच्छी जगह रखी थी वो कुपरटिनो वाली बहन जो आगे से गई थी, विमला जी, तो उसने हाँ, रखा था। फिर हम जाके वहाँ सब अपना अपना लेके आए थे, थोड़ा कुछ बहुत वो सब रखा, जूस वूस सब लेके आए थे, और मेरी बेटी गाड़ी पार्क करी थी वहां पर, चली गई और कार में बैठ गई। उसने बोला कि मैं पढ़ूंगी वहां बैठी बैठी, मेडिटेशन करूंगी, आप लोग एंजॉय करो। तो हमने 4 घंटा एंजॉय किया था साथ में इकट्ठा, फिर फोटो फंक्शन वगैरह किया और मजा किया। तो पहली बार मिले थे उसी टाइम। अच्छा ज्योत्सना जी, जब आपने कहा कि आपको पहले से ही लगता था कि कुछ करना है, सोशल वर्क जैसा कुछ करना है, और मतलब हाँ आम विचार ये है, या मतलब जो लोग इतने अंदर से प्रेरित नहीं होते, अंतः प्रेरणा एक होती है ना, तो मुझे लगता है वो हाँ आपके अंदर है। तो अंतः प्रेरणा के अलावा और कोई चीज है जो आपको मोटिवेट करती है कि नहीं मुझे कुछ करना है? क्योंकि ये उम्र, जैसे हम देखते हैं कि हमें लगता है कि आपको बहुत सेवा की जरूरत है, बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, अपना दूसरा कोई ख्याल रखे, लेकिन आपको क्या मोटिवेट करती है ये सब करने के लिए कि नहीं हम कर सकते हैं? और यही है। और दूसरा क्या है कि अब हमारी जैसे जैसे एज होने से कई लोग मानते हैं कि भाई एज होए तभी भगवान को याद करना, पर ये नहीं है। जो हमारा पहले से आता है ना, वो चलता है आगे जाके, और हम सोचे कि नहीं हम जब बड़े हो जाएंगे तभी करेंगे, ऐसे में वो भगवान का भी काम हम करते। हम ये नहीं बोलते कि आप मंदिर में जाके बैठे रहो, भगवान के सामने ही बैठे रहो, पर अंदर से होता है कि नहीं ये मेरा कुछ भी काम हुआ है। जैसे मतलब कई बार हमारे जीवन में चमत्कार जैसे हुए हैं कि हाँ, हम देखते हैं कि ये बहुत हमको तकलीफ दे वाला है, पर हम भगवान को ही बोल देते हैं कि भगवान बस आप बचाने वाले हो। तो कुछ ना कुछ मतलब छोटी मोटी बात में एक ही उदाहरण दूंगी कि हम लोग एक बार वो वहाँ पर गए थे साउथ में, तो साउथ में हम मीनाक्षी मंदिर में गए थे, तो फिर हाँ वहाँ दर्शन किए, वहाँ चारों जो दरवाजा है एक जैसा है, कभी पता नहीं चलता कि कहाँ है हम खड़े, पर हमको था कि हमको दर्शन सब जगह पर अच्छा करना पसंद होता है, जैसे हाँ तैसे करके हम निकल नहीं जाते। ठीक तो है। हम दोनों जन थे उसी टाइम, और हमारे साथ हमारी कंपनी 12-13 जन थे हम लोग, हमारे वहाँ गुजरात से, तो वहाँ की TTDC की बस थी उसमें गए थे। फिर वो ले गए हमको अंदर, एजेंट था जो वो, तो हमने गए अंदर, ऐसे करते करते लाइन में चले गए, और ऐसे सामने ही माता जी का मंदिर था, पर वो बहुत छोटा है वहाँ पर मंदिर, तो हमको तो ऐसा था कि बहुत बड़ा होगा इसलिए जी आगे जाएंगे तब आएगा, तो हाँ इस तरफ देखा ही नहीं हमने। आगे जाते ही रहे लाइन में, फिर वो नीचे उतर के बोले कि चलो अब बाहर जब सब जाके खड़े हो, तो हम बोले दर्शन कहाँ, तो बोले ये दर्शन नहीं किया आपने, ये दर्शन तो था वहां पर, तो अब वापस नहीं जा रहे थे लाइन में थे। तो फिर हमने सोचा कि हमको यहाँ पर आए हैं
और ये उमिया माता जी का दर्शन है, वो जो हमारी कुल देवी है, हम दर्शन करे बिना नहीं जाएंगे, दूसरी बार कब आएंगे हम। तो हाँ वो बोले कि ऐसा करो, आप किस किस को दर्शन करें। तो हमारे हम दोनों को तो करना ही था, और एक जन थे बोले मेरे को भी करना है। तो हम हाँ बोले आप यहाँ खड़ा रहो, हमको बता दो तुम कहाँ सब आओगे, हम वहाँ आ जाएंगे, पर हम दर्शन करने के बाद ही आएंगे। और बाद में 6 बजे बंद होने वाला था मंदिर, और 5:30 तो बज गए थे। तो हम बोले कि ये लाइन है तो हम जाते हैं लाइन में, लास्ट में लग जाते हैं फिर से। तो फिर हाँ हम गए वहां पर, तो टिकट बारी तो बंद हो गई थी, पर एक जन आया तो उसने बोला कि मेरे पास 3-4 टिकट है और मेरे को नहीं जाना है, आपको चाहिए? देखो, तो उसी टाइम हमने मान लिया कि भगवान ने हमारे लिए भेजा है उनको। तो हम हाँ लेके चले गए, फिर क्या हुआ कि हमका तुरंत नंबर लग गया, उसने टिकट दी इसलिए तुरंत नंबर लग गया। तो वहां गए तो वो पुजारी जी बोले कि आप लोग सब बैठ जाओ, मैं आरती कर रहा हूँ। तो हमको आरती का भी लाभ मिला। तो इसीलिए ऐसे कहते हैं, कई बार भीड़ बहुत सारी हो, उसी टाइम पहले हम बस में जा रहे थे, तो मेरे को भीड़ की पहले से एलर्जी है, कहीं भी वो लाइन में लगना अच्छा नहीं लगता। मैं बोलती हूँ माता जी आप अकेले हो तभी आने का, और तभी मैं कहूँ आप सुनो और आप मेरे को कुछ ना कुछ आशीर्वाद दो, ऐसे हाँ मैं भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करती। तो उसी टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि ये बस में उसे रिजर्वेशन हम नहीं करवा सके थे, तो चढ़ना था। उसी टाइम बहुत डर लगता था मेरे को, हमारे बच्चे भी थे छोटे छोटे साथ में। फिर भगवान को मेरा तो नाम आ ही जाता है कि भगवान आप ही हो चलो जो करोगे। तो उसी टाइम भी ऐसा ही हुआ कि जो एक जन ने रिजर्वेशन कराया था उनकी टिकट तो पूरी चली गई थी, वो बोला कि मेरा कुछ ऐसा है तो आने का नहीं है, तो आप लोग को 2 टिकट चाहिए। तो हम ऐसे बच्चे वाले थे तो हमें बोला कि हम गोदी में बिठा लेंगे, चलो आपकी 2 टिकट तो दे दो। तो रिजर्वेशन की बता दी तो तुरंत जगह मिल गई हमको। बहुत बढ़िया। मतलब अंदर से प्रेरणा तो है, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं भगवान रास्ता दिखा रहे हैं, राह दिखा रहे हैं कि तुम्हें वही ये करना है है। ही, माता जी हमेशा मेरे पास रहती है और उनका ही मार्गदर्शन में लेती हूँ। बोलती हूँ जब भी कुछ भी करो तो माता जी तुमने ही ये सोचा है, ये सबको मिलवाया है, तुमने ही मिलवाया है, वही करती है बस, कुछ भी करती है तो। ज्योत्ना जी, मेरा अगला सवाल, और शायद हम टॉक के आखिर पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। तो हाँ जैसे एक होता है उम्र का फर्क, जैसे हम बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड किड का जो एक डिफरेंस है, या हाँ बच्चे और पेरेंट का भी जो डिफरेंस है, वो फैमिली में कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर मतलब पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो हम बच्चे नहीं फुलफिल कर पाते, हम नहीं समझ सकते हैं कई बार कि उनको क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे, हम क्या करें कि हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। तो एक ग्रैंड पेरेंट की दृष्टि से हम जानना चाहेंगे कि हम बच्चे ऐसा क्या करें कि आपको लगे कि हाँ, मुझे ये उम्मीद थी मेरे बच्चे से या मेरे नाती पोते से, तो वैसा क्या उम्मीद रखते हैं आप हम बच्चों से? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मैंने देखा है अभी इतनी उम्र के पड़ाव में, मैंने बहुत, मैं बोली ना कि बहुत जगह हम लोग घूमे भी है, जैसे हाँ हम एमपी में रहे, एमपी में से गुजरात गए, गुजरात में से बड़ौदा में गए, बड़ौदा से मतलब अहमदाबाद में गए, पहले सूरत में गए, ऐसी बहुत जगह सारी घूमे। और हमारे बड़ौदा में भी हमने 6-7 जगह कॉर्नर में पूरा बड़ौदा में रह चुके हैं हम लोग, ऐसे घूमे भी बहुत है। और फिर बाद में ये यात्राएं भी बहुत सारे की है, और उसी के हिसाब से और सब जगह पे हम देखते हैं। तो बच्चों का सबके घर में एक जैसा व्यवहार नहीं होता, कई घर में हमने देखा है बच्चे बहुत मान देते हैं बड़े को, और कई जगह हम देखते हैं कि बच्चे पता नहीं, एक ही घर में 2 बच्चे होते हैं तो दोनों को परवरिश तो एक ही माँ बाप ने दी है ना, फिर भी ये होता है। तो उसी टाइम तो मैं तो यही मानती हूँ कि भगवान ने हमारा जो कर्म है ना उसी से ही हमारा भाग्य बनाया है, कि अगले जन्म में जो हमने कर्म किया और इस जन्म में हम कर रहे हैं, शायद इसका अभी भी पूरा हो सकता है, शायद नहीं होता तो वो पिछले जन्म आगे जो अगले जन्म मिलेगा उसमें भी पूर्ति होती होके ही रहती है। और कर्म हमारा हमको ढूंढ के कहीं से भी हमको इसका बदला देते देते जरूर देते हैं। तो इसी हिसाब से आगे जो ये बच्चे हमारे पास आए हैं वो उनका रिश्ता आगे भी हमारा कुछ ना कुछ रहा होगा, और हाँ हमने उसी के साथ ऐसा कुछ किया होगा कि वो ये जन्म में हमको वो दे रहे हैं। कई बच्चे सेवक जैसे हैं तो बहुत सेवा करते हैं, तो अगले जन्म में उसने ये हमने की होगी उसकी सेवा। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्मते साथ आपको खर्चा ही करवाएंगे, दवाई दवाई दवाई, वो ठीक ही नहीं रहेगा, तो वो भी उसी जन्म में हमने कुछ इनका पैसा खाया होगा,
वो अभी खा रहा है हमारे पास से, और नसीब से ही हमको अच्छा व्यवहार वाले बच्चे मिलते हैं। हम इतना वो नहीं कह सकते कि नहीं हमने ही अच्छा संस्कार दिए हैं, हम तो हाँ देते हैं। पर मैं बोलती हूँ कि एक ही घर में दो जन होते हैं, दोनों का सोचना अलग होता है। मैं, मेरी दीदी होती थी तो ये मेरे बच्चे ही कहते मम्मी आपकी और मासी में बहुत फर्क था। तो पहले से मेरा ये मतलब क्रांतिकारी की सुधारावादी जो कहो ऐसे हाँ विचार थे। जैसे मतलब ये बच्चों भी बड़े हुए तो मेरी बेटी कॉलेज जाती थी, कभी मैंने उसको ऐसे रोक टोक नहीं की कि तू घर में बैठ और टाइम से आ जाना, टाइम से उसी टाइम उसको जो चाहिए मोबाइल वगैरह सब उसको दे दिया था। पर कहा था कि देखो ये अभी अपने पास पैसा है, मिल सकती है लग्जरी, अगर कल ना हो तो। हमने ऐसे भी दिन देखे थे कि वो जॉब में स्किल नहीं मिल रहा था उन लोग को, जब भी वो कमी होती थी तो महीने का पूरा उसी टाइम नहीं देते थे। तो तभी हाँ हम क्या करते थे, उसी टाइम हम काम वाली को छुट्टी दे देते थे, एक खर्चा बंद, न्यूज़पेपर बंद कर देते थे, वो दूसरा खर्चा बंद, जहाँ जहाँ काटपीट होती थी वो करके भी हमने अच्छे से मतलब हमारी लाइफ बनाई। और 81 से जैसे स्टार्ट हुआ हमारा पीरियड, तो आज नहीं उतना दूंगा। और वो भी मानते थे कि हम जो भी धंधा करते थे भगवान मेरे, हम दोनों बराबर मत वाले थे, तो बोले थे कि भगवान को हम पार्टनर बनाते हैं हमारे काम में। तो यही धंधा हुआ था, अंबिका ट्रेडर्स करके ही था, अंबाजी माता का नाम रख के ही किया था। और हाँ उसमें हर दिवाली हमने, और 40 साल की दिवाली हमारी अंबाजी मंदिर में ही बनी है, तो हम 5 दिन रहते थे वहां पर माता जी को मिलने, न्यू ईयर में मिल के फिर वापस आते थे घर में। और वहीं पर उनका उसी टाइम से कि भाई हमने जो कमाया है तो उसका ड्राफ्ट बना के ले जाना है। तो हमेशा अपने काम में आप पार्टनरशिप भगवान की करके देखो, आपको इस साल नहीं मिलेगा उससे दोगुना दूसरे साल मिलेगा, और आपका ये पैसा शुद्ध हो जाएगा। तो आप कहीं भी यूज करो, कभी दवा खाने में नहीं जाएगा आपका पैसा, कि आपका मतलब भगवान ध्यान ही रखेंगे कि आपको कभी कोई नौबत नहीं आएगी कि नहीं एक्सीडेंट नहीं, कोई ताव नहीं आएगा, फीवर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं करेगा भगवान, बहुत ध्यान रखते हाँ हैं भगवान, इज सो काइंड। और आपके इसी कहने हिसाब से ही से, हमको हाँ मिलता है हमको फल इसका। हाँ आपके कहने से मैंने ये सीख लिया कि जिस तरह का सपोर्ट आप अपने बच्चों को देंगे वही सपोर्ट आपको वापस हाँ मिलेगा, है ना। जैसा मिलेगा ही आपने मिलेगा। हाँ अपनी बेटी के लिए किया, तो अभी वो सपोर्ट वो आपके लिए खड़ी होती है जहां हाँ वो आप बोलते हैं सपोर्ट। ना कि देखो मम्मी उसी टाइम हमने जो देखा है वो बहुत स्ट्रगल भी आपने की थी, फिर भी हमको लोग को कभी रोका नहीं है। मैंने हाँ कहा कि हमको रोका ही थी, नहीं तो मैं डॉक्टर बनती नहीं, मैं सोशल वर्कर नहीं बनती। उसी टाइम बहुत शौक था मेरे को, और उसके बाद भी मेरे हस्बैंड और हम थे, जब भी हमने बिजनेस में अच्छा कुछ पाया तो मेरा उसी टाइम भी मैं और मेरे हस्बैंड यही सोचते थे कि सीनियर के लिए कुछ करें हम लोग, उसी टाइम हम सीनियर नहीं थे, तो हम हाँ बोलते थे कि सीनियर के लिए ऐसा कुछ मकान बनाए, अखी वो कॉमन सोसाइटी बनाए, उसमें दवाई मतलब डॉक्टर रखे, उसमें सर्वेंट रखे, उसमें मंदिर रखे जहाँ वो लोग सभी कर सके। बहुत एम्बिशियस थे हम लोग को, पर उतना सपोर्ट किसी का मिला नहीं, एक जन नहीं कर सकते ये काम, दो चार जन हाँ हो तो इकट्ठा करके फिर बाद में डोनेशन पे चलता है, और शुरू शुरू में तो शुरुआत ट्रस्टी के बनने लिए में सही हाँ है। डालना पड़ता है हम लोग को। तो हम लोग तैयार थे, पर ऐसे दो तीन जन को बात की हम लोग ने, पर इतना चाहिए उतना सपोर्ट नहीं मिला था इसलिए हम नहीं कर पाए, नहीं तो मेरे को यही था, और मेरी बेटी भी बोलती थी वही करना था तुमको। वो हाँ सपना अभी भी है तो हम अभी कहीं हो से तो रहा कोशिश है। कोशिश कर हाँ सकते हैं उस सपने को पूरे करने की। वो आज ही बात हो रही थी, हम लोग बाहर गए थे तो गाड़ी में वो बेटी यही बात कर रही थी कि चलो ये हम यहाँ सीनियर का नहीं है तो सीनियर के लिए कुछ खोल के देखे, और वहाँ सब सीनियर आए तो सब हाँ प्रवृत्ति तो हम लोग कराएंगे। तो बोलते थे मंदिर भी रखेंगे, उस मंदिर तो पहला आएगा। लोग कहते हैं ना कि मतलब हंसी जो होती है वो इनफेक्शस होती है, मतलब आप हंसते हैं तो सामने वाला भी हंस देता है। ज्योत्सना जी हाँ आपकी ऊर्जा इतनी मतलब अधिक वो है जो लोगों तक बढ़ती जाती है, जो आपसे जुड़ते जाते हैं। तो एक एक या दो दो मैसेज मैं आपसे चाहूंगी कि आप सीनियर्स को क्या सुझाव या सलाह देना चाहेंगे कि वो इस ऊर्जा को बनाए रखे इस उम्र में भी, और हाँ बच्चों को क्या सुझाव देंगी कि वो एक उनको याद हो ना हो कि पेरेंट्स ने क्या किया है हाँ उनके लिए, लेकिन एक जो चेतना होती है कि हाँ बड़े हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, तो वो हम बच्चे अपने अंदर कैसे ले आएं। वो मैं ये मानती हूँ कि अभी देखो सीनियर को भी अभी समझना है कि जैसे हम लोग पहले हमारी लाइफ बहुत अच्छे से जी, कि जैसे भी जी,
पर उसी टाइम का याद करके अभी कुछ आगे लाना नहीं है, वो जो गए उसको भूल जाना है। अभी हम कहाँ रह रहे, अभी हमारा ध्यान कौन रख रहे हैं, तो देखो बच्चे कर रहे हैं, और अभी का टाइम अलग है, अभी का हमारा जो इंडिया का और यूएस का अलग है, वो सब होते हुए बच्चों को जो करना है उसमें हमें पूरी तरह से सपोर्ट करना है उनको। और ये नहीं बोलना है कि हमने तुम्हारे लिए ये कहा था, कभी फील कराना नहीं है, हमारी फर्ज थी तो हमने कर दिया। और उसके बाद जब उनको लाइन पे हमने लगा लिया, फिर हमको उसमें टोकने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी लाइफ अपने से जी सकते हैं, चाहे उस टाइम हमको अच्छा ना लगे कि लगे, पर हमको अभी तो अच्छा ही लगाना है कि नहीं अभी ये जमाना है, इसमें ये लोग सेट हुए और अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, तो हम हमारी सलाह क्यों दें, जब भी उनको चाहिए तो हम कर सकते हैं। बाकी मैं तो यही कहती हूँ कि जितना हमको उंगली करनी थी उतनी कर दी, अब लेना ना लेना उनका है, और हाँ लेंगे तो भी अच्छा है, नहीं लेंगे तो वो भी होशियार हो जाते हैं एक दूसरे। अभी तो जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो बाहर जाते आते हैं तो वो भी देखते हैं, तो उनकी दुनिया अलग है, तो उनकी दुनिया में वो भी आगे हैं, तो हमको हमारी दुनिया में उसको डालने के लिए बोलना नहीं है और कुछ कहना भी नहीं है। और बच्चों को ये है कि हम लोग को क्या है कि सबकी, मतलब मैं तो यही चाहती हूँ, मैं तो अकेली भी रहती हूँ तो मेरा पूरा दिन मैं अपने में गुजार सकती हूँ। मेरे को कंप्यूटर का शौक है, उसमें से कि फोन में से कुछ ना कुछ निकाल के सोते सोते भी मैं नींद नहीं आती तब तक कुछ ना कुछ करती देखती रहती हूँ, कहीं टिप्स है आरोग्य की है, कहीं संत महाराज की जो है, कहीं भगवान का है, कुछ ना कुछ अच्छा मतलब जो लगता है वो सुनती रहती हूँ, तो उसमें से कुछ ना कुछ अपने को भी सीखने मिलता है। तो बच्चों को बस यही है कि कई बार होता है कई लोग को, मैं तो सबके साथ वो हो जाती हूँ सेट, तो छोटे के साथ भी, हमारी बहुएं वहां होती थी उनके साथ भी, सबको मेरे साथ अच्छा ही लगता था, और मंदिर में भी सबको अच्छा लगता था, सब आके गले मिलते थे। तो इसीलिए पर ये होता है कि थोड़ी देर बच्चे आके खाली अपने पास बैठते हैं और आप कैसे हो, मजा ही ना, आज क्या हुआ, थोड़ा सा पूछ लेते हैं तो उनकी लाइफ और अच्छी हो जाती है। ये है, सबको यही उम्मीद होती है, पर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं करे तो अपने को बुरा लगाने की जरूरत नहीं है कि चलो हमारा ख्याल तो रखते हैं ना, हमको लाके तो पास में रखते हैं ना, और हमारे लिए सब बाहर जाना होता है कभी भी इनकरेज भी करते हैं, तो एक काम कर सकते हैं दूसरा नहीं कर सकते, तो हमें तो वही है बड़ों की मतलब माफी करने का अच्छा है। आपसे मिलकर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और पता नहीं मेरे चला कि कब कब इतना लंबा कब समय बीत टाइम हो गया। गया। हाँ हाँ तो वो एक है कि सब कोई मेरे साथ, मतलब मैं नहीं कहती कि हूँ मैं, मेरे को नहीं पता चलता, पर मेरे को ये सब मैं जैसे जैसे सीखती गई तभी अभी मैं निकाल रही हूँ सबके सामने। होता है कि इन हाँ बहनों को मैं जो मेरे पास है वो दूँ, कभी अंदर नहीं रखने का, कोई अपनी प्राइवेसी नहीं है, वो जितना मैं सिखाऊंगी उतना ही मेरे से ज्यादा आएगा, मैं यही मानती हूँ। देने का भाव हाँ, ज्योत्सना देने जी का है ना। भाव जो मैं सीखती हूँ इनको, इसलिए ये मैं बोली हूँ कि हवन का ही सबको है ऐसा कि आप ऐसा करते हो तो हमको पता चला कि ये श्लोक में क्या आता है, आप कैसे पूजा कराते हो। हम ब्राह्मण के पास कराते थे कुछ पता नहीं चलता था, वो आके करके चला जाता था, तो हाँ मैं बोली एक एक श्लोक का मैं अभी अपने को मतलब ये टाइम मिलेगा तो मैं एक दिन एक एक श्लोक से चालू करूंगी, उसका आपको पूरा महत्व समझाऊंगी, और 2 दिन 3 दिन करेंगे पूरा आपको यज्ञ की माहिती मैं बता दूंगी। तो वो इनको बहुत इंटरेस्ट है, बोलते हैं हम भी शायद घर में कर सकते हैं अपने आप। हाँ हाँ, तो यहाँ पर भी मैं बोली हूँ कि आप सबको कभी भी जरूरत पड़े पूजा कराने, मैं कुछ नहीं लेती, आपको पूजा कर दूंगी। तो हाँ ज्योत्सना जी, कुछ कुछ और जाते जाते कहना चाहेंगी एंथुजियास्टिक के लिए या दुनिया के लिए कि कैसे हम रहे या सुंदर कर सकते हैं, अपना क्या योगदान दें, हाँ ऐसा कोई एक बात जो याद रखने लायक हो जाए। कि एक होती है ना ताबीज, जिसे गांधी जी की एक हाँ ताबीज थी कि कुछ करते हो तो बस ये पूछो कि तुम्हारा ये किया हुआ काम उस सबसे बेचारे या गरीब व्यक्ति को क्या लाभ हाँ पहुंचा सकता है, अगर उसको कुछ वही पहुंचा है, सकता है काम करने लायक है। हाँ, वही है। हाँ मैं यहाँ आई ना जब भी बेटी के घर में मंदिर से, तो वहां पर पूरे दिन बिजी रहती थी, पर यहाँ पर आई तो मेरे को इतना काम तो नहीं था, यहाँ पर तो आराम ही था, पड़े पड़े मैं यही सोचती थी, और कई बार बेटी के सामने भी कहती थी कि यहाँ
कोई ऐसी लेडी हो, उम्र वाली हो, इसके साथ बच्चे लोग नहीं रहते, बाहर जाते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता, तो उनको टाइम पास करना है, बात करनी है, तो तुम मेरे को बताओ, तुम्हें 2 घंटा इनके साथ बैठ के आऊँगी, मतलब इनके साथ बातें करूँगी, इनको अच्छा लगेगा। तो यही भाव था मेरा कि कैसे भी किसी को काम में कैसे आए। तो कोई कहते हैं कि हाँ मेरे को आपकी ज़रूरत है, तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं तो मैं आपके लिए ये काम करूँगी ज़रूर। कभी हमने हमारे घर में बेटे नहीं बेटी नहीं किसी ने भी नहीं सोचा है कि पैसे के लिए काम करना है। तो पहली सेवा का भाव आता है, तो भगवान ऐसे कुछ ना कुछ देता है। अब एनजीओस्टैटिक का जो मिला उसी टाइम मेरे को यही लगा कि चलो भगवान को ऐसा होगा कि कोई ना कोई इनका ग्रुप तो बना ही ले। तो मैं बाहर नहीं जाती थी, तो मेरी हाँ बेटी बहुत बोलती थी कि तुम बाहर जाओ, इन लोग को मिलो, मैं छोड़ने आऊँगी, लेने आऊँ। मैं बोली नहीं, मेरे को सबके घर में वो सब खाना भी लेके आते थे, मेरे को सबका खाना नहीं है। अभी बहुत टाइम बाहर खा लिए, सबके घर खा लिए, फ्रेंड सर्कल में खा लिए, अब हम घर में खाए तो अच्छा है, और घर में रह के मैं कुछ ना कुछ तुमको भी हेल्प कर सकूं, और मेरे को भी कुछ भी कुछ सोचना है, वो करना है, तो मैं घर में रह के कर सकती हूँ। बाहर से आके थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं, ऐसा करते हैं। तो इसलिए फिर ये हुआ, तो बेटी ने बोला कि आप कर सकती हो मम्मी, आप करो चालू। तो पहले दिन तो 1 तारीख को नहीं किया, फिर दूसरी तारीख को बोली कि आज तो तैयार हो जाओ, करना है तुमको। मैंने सोच लिया, उसी टाइम रात को सोचता था कि मैं हाँ क्या क्या करवाऊंगी पहले से, कि रोज का दिन होगा, रोज घंटा घंटा मेरे को लेना है। पहले तो मैंने मेडिटेशन का ही ख्याल कर लिया, एक जो मैंने सीखा था उसमें मैंने, मतलब पहले मैं कराती थी तो खाली हैंड और लेग का कराती थी, और फिर रीढ़ की हड्डियों का कराती। फिर मैंने सोचा कि ये पूरी बॉडी का क्यों ना हो जाए, सबको अच्छा लगता है, बोलते हैं हमारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है आप कराते हो। तो मैंने फिर उसमें ब्रेन शामिल कर दिया, हार्ट शामिल कर दिया, और बहुत लीवर शामिल बढ़िया, कर दिया, लंग्स शामिल कर दिया, और किडनी शामिल कर दिया। और सब जो सब शामिल। शामिल हो गया तो पूरी बॉडी का मतलब हो जाता है। तो अभी रोग बोलते हैं कुछ भी ना हो पर मेडिटेशन तो पहले करना ही करना है, तो हाँ रोज करते हैं, 20 मिनट का होता है। तो ये था भाव कि भी चलो ये आ गया अपने आप। फिर मेरे को सब्जेक्ट आया कि मोटिवेशन जिसमें से मिलता है वैसी स्टोरी इन लोग को क्यों ना बताए। कई बार व्हाट्सएप में आती है, कई बार बाहर भी हाँ टीवी में भी देखते हैं, कई बार हमारे रामायण महाभारत में भी आती है, कई स्टोरी ऐसी है कि दूसरे जन्म में जो उन्होंने कर्म किया है, राम भगवान है, कृष्ण है, उनको इस जन्म में उसका फल मिल ही रहा है, तो भगवान को नहीं छोड़ा, अपने को क्या छोड़ेंगे कोई। तो वो भी, तो हमने ये सब्जेक्ट रखा है कि 1 हफ्ते में ये करेंगे, 1 हफ्ते में नहीं करेंगे, तो ये स्टोरी सब तैयार करके आते हैं, सब अच्छी अच्छी बहुत स्टोरियाँ लाते बढ़िया। हैं। फिर गायन बोले तो बोलते थे कि हमको गायन गाना नहीं आता है। मैं बोली देखो मेरे को भी नहीं आता था पर मैं गाती हूँ ना, हमको किसी को प्राइज नहीं देनी है और हमको हाँ नंबर भी नहीं देना है, जो गाते हैं सब अच्छा गाते हैं, और घर में बैठ के गाना है, आपको स्टेज फियर भी नहीं रहना चाहिए, तो तैयार हो जाओ। तो सबको देने लगे हम अपनी अपनी चॉइस का, बढ़िया पुराने गीते लेके आते हैं सब, और बहुत बढ़िया। भजन भी गाने लग गए सब कोई। मैं बोली यूट्यूब में आप देखना, लेसन करना आप तो घर में जाके, ऐसा नहीं कि यहाँ आके बैठ गए। हाँ तो लेसन करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो सब अब ढूंढना सीख गए हैं। तो आज भी मधुबन से मैं मिली थी, तो उसी टाइम उसने बोला कि देखो मेरे को सेल्फी लेने नहीं आती। मैं बोली चलो अपन दोनों पी लेते हैं, मैं बताया कि ये करना है, वो सीख गई तुरंत। तो बोली कि देखो हाँ आज अपन मिले तो आपसे ये तो एक बात तो सीखी मैंने। बस ये और ध्यान वही रखना है कि कैसे हम दूसरे के काम आ सके, है बस ना। बस वही काम जो करोगे वो वापस आपके पास, उसका फल तो अपने को नहीं करना है कि मेरे को फल मिले, पर वो मिलके ही रहता है, वो बुरा का अपने आप। बुरा हाँ हाँ अच्छे का अच्छा, तो वही हमारा जमा है। और आज देखो मैं मंदिर में रही तो मैं ये बोलती हूँ कि वहाँ का डोनेशन बॉक्स था वहाँ पर, और वहाँ पर आगे भगवान की मूर्तियाँ थी, वहाँ सब लोग एक एक डॉलर वहाँ भी रखते थे, खुले भगवान के पाँव में रखते थे, वो सब लेके मैं अंदर डालती थी, सही बात। तो मेरे को तो था कि भगवान ऑनलाइन है हमेशा, कहीं भी जाओ आप, बाथरूम में जाओ, कहीं भी जाओ, पर भगवान आपको सब जगह दिखता है, वो बात याद रखोगे तो कुछ भी बुरा काम नहीं करोगे। तो वहां पर मैं ये करती थी, मैं तो अपने मन से करती थी, पर हाँ ये सब तो मेरे लिए कोई पहचानने वाले नहीं थे, वो कोई रिश्ते वाले, एले में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, मैं तो अनजान जगह में इतनी उम्र पे आके गई थी, उसी टाइम में 68 की थी तो मैं गई थी, तो उसी टाइम भी मेरे को ये हिम्मत थी कि मैं अकेली इन लोग में रह सकती हूँ क्योंकि मेरा मन अच्छा है,
और मैं और मेरे नीति साथ से चलने, हाँ नीति से भगवान मेरे चलने साथ। वाली हूँ, तो भगवान तो हमेशा मेरे पास ही है। उस जगह गई, मैं तुरंत भगवान को बोल दिया, मैं तुम्हारे चरण में आके बैठी हूँ, अब तुम्हें मेरी रक्षा करनी है, मैं अकेली मेरे रूम में रहने वाली हूँ, तो आप मेरा ध्यान रखना बस। तो कभी मेरे को वहाँ पर मुश्किल भी नहीं आई है। और मैं ये कह रही हूँ कि ये अनजान लोग मेरे पर ट्रस्ट किया, वो पूरा पैसे का, मैं एक हफ्ते में $4,000 $5,000 कई बार तो ऐसी जो इनकम होती, जो हम यज्ञ करवाने जाते थे तो हमको लोग 200-300 500 कहीं तो ऐसे डॉलर देते ही थे, रिसिप्ट हम बना के दे देते थे उनको। तो सब हम मंदिर के, मेरे को इतना अच्छा लगता था कि मंदिर के लिए ये मैं काम कर रही हूँ, देखो वो मेरा डोनेशन था। तो बहुत मजा आई मेरे को वहाँ पर काम करके, पर बस यही था मेरे को कि इन लोग ने मेरे पर ट्रस्ट किया। मैं आई तब मैं लेक्चर दिया था उन लोग को कि आप लोगों ने बहुत मेरे को इंस्पायर किया है, आपने सपोर्ट भी किया, इसलिए मैं ये कर सकी हूँ, और कभी भी जरूरत पड़े तो मेरे को बुलाना, मैं आ जाऊँगी। पर आपने जो मेरे पर ट्रस्ट किया है कोई नहीं करता, अनजाने लोग में हाँ कोई नहीं। अरे अपने बच्चों के घर में रहो तो भी आपको नहीं बोलेगा कि लो ये हमारा पैसा आप संभालो, बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो। और जैसे हमारे घर में वहां थे तो हम अपने घर में कर सकते थे, बाकी तो कहीं भी रिश्ते वाले हो कोई भी नहीं करते ना। और ये मेरे लिए कोई नहीं थे, अनजान थे वो लोग, तो उसने मेरे को ही सौंप दिया था, आप जो करो। ज्योत्सना जी, ये मीटिंग अभी खत्म हो सकती है, तो हाँ बातचीत के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। और ये आप, कहानी, ये जर्नी आपकी लोगों तक जाएगी, उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए एंथू टॉक्स। अच्छा है, और आपको भी थैंक यू। और आप मेरी बेटी जैसी हो, कभी भी आपको आना चाहो तो हमारी मीटिंग में आ सकती हो। बिल्कुल, मैं आऊंगी, मैं हाँ, आऊंगी। और कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके ऊपर आपको होगा कि भाई हम, मेरे को इन सिटीजनों को कहना है कुछ, तो आप आ सकती हो। खाली मेरे में थैंक डाल यू दोगे कि मैं आने वाली हूँ तो ये लोग तो खुश हो जाएंगे कि चलो कोई अच्छा सूचना मिलेगा, तो ठीक आप आ है, थैंक सकती हो। हैं, यू ज्योत्सना जी, ख्याल रखेंगे। ओके।